मिलना तय है, सफलता मिलना तय है, बस देखना ये है कि आप उसके लिए कितनी कीमत चुका सकते हैं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका यूज़ आप डेली लाइफ में करते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज शेल। सेल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है गैल्वनी शेल। गैल्वनी शेल में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डैनियल शेल। और उससे पहले मैं थोड़ा सा सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस सिर्फ और सिर्फ इतना करिए कि आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ भी इसके बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, ये सेल क्या होता है? इस सेल में पहले तो आपको ये याद रखना है, एक बीकर होता है, ये बीकर बना हुआ है। ठीक है, बीकर के साथ में हमने इसमें जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया है पहले से ही। सोल्यूशन डालने के बाद में हमने इसे दो रॉड लगाई हैं, एक एनोड है दूसरी कैथोड है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव होती है और एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड निगेटिव होती है। ओके, फिर इसमें क्या याद रखना है, इसमें वैद्युत अपघटनी सेल इसका नाम क्यों रखा गया, ये आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए तो समझ। वैद्युत के द्वारा अपघटन कराने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं उस सिस्टम को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ओके, तो इसमें देखिए हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है। बैटरी लगाने से क्या फायदा हुआ है कि ये वाला जो एनोड है इस पर प्लस चार्ज आ रहा है, देखिए ये पूरा प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला निगेटिव वाला कैथोड पे आ रहा है। ठीक है, तो कैथोड जब इस पर आएगा तो कैथोड की वजह से क्या होगा, इसके पर ये माइनस है ये प्लस है। अब इस सॉल्यूशन में जिंक क्लोराइड का जो विलयन है वो टूट जाएगा। ठीक है, जिंक का आयन एक अलग बनेगा, जिंक 2+ और 2Cl- बन जाएगा। जहाँ पर 2Cl+ का बनेगा, माइनस का बनेगा, वो क्लोरीन आयन है, ये जिंक का आयन है। ठीक है, अब ये इसके टूटने से फ़ायदा क्या है हमारा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो फ़ायदा इसका ये है कि जब हम इसमें ये कराएंगे वैद्युत अपघटन कराएंगे तो ये सॉल्यूशन चार्ज्ड हो जाएगा, इसे हटाने के बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये आएगा कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। सेल में हम क्या कौन सा सोल्यूशन डाल सकते हैं? ठीक है, तो उसमें जिंक क्लोराइड हम डाल सकते हैं, ये एनोड पॉजिटिव होता है, आपको यही याद रखना है, कैथोड निगेटिव होता है। अभी जब हम डैनियल सेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर और वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या है। और पिछले एग्जाम में इससे 5 या 6 क्वेश्चन आए थे, सेल से 5 या 6 क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं ना, 6 क्वेश्चन। तो इस सेल में कैसे क्या होगा, जहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है, जहाँ पर एनोड है, वो कौन सी अभिक्रिया दिखाएगा, वो ऑक्सीडेशन दिखाएगा। ठीक है, जहाँ पे निगेटिव है वो कौन सी अभिक्रिया दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा, अपचयन दिखाएगा, ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन दिखाएगा। ठीक है, अब जो इसका दिया हुआ है ये इसकी इक्वेशन दी हुई है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट ही है, बट जो काम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक याद रखना है कि जिंक क्लोराइड का जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो कैसे टूटेगा, उसकी इक्वेशन ये है। इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये सेल कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये इक्वेशन दी है Zn2+ 2Cl-, इसकी जगह पर हम और भी सोल्यूशन भर सकते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पर NaCl ले लिया या NH4Cl ले लिया, तो ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, NH4+ का और +Cl-। एक ये भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट कह सकते हैं बट इससे ज़्यादा आएगा नहीं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, बेसिक तरीका यही है कि आपको तोड़ना पता होना चाहिए कि तोड़ते कैसे हैं इसको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तोड़ना। तो NH4Cl NH4+ Cl-, तोड़ना तो आपको पता ही होगा क्या होता है, किसी भी लकड़ी को तोड़ देना, ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं वो यही हैं। ओके, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर, गैल्वनी सेल या वोल्टिक सेल के एग्जांपल्स पर। सबसे पहले वोल्टिक सेल का जो एग्जांपल है वो है डैनियल सेल। जो गैल्वनी सेल होते हैं वो कैसे सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो चार्जेबल नहीं होते, मतलब हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि आप सेल जो टॉर्च वाले सेल होते हैं उन सेलों को आप इस्तेमाल करते हैं, उन सेलों का इस्तेमाल करने के टाइम पे आप देखते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है ना घड़ी निर्मा पाउडर वाला, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही वाली चीज़ इसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है डैनियल सेल, डैनियल सेल का मैंने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है आपके लिए, आप पहले इसका सुंदर सा एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके आगे मैं आपको बताता हूँ फिर
ठीक है। गैल्वनी सेल, पोल्टिक सेल इसके दूसरे नाम है। डैनियल शेल का ये चित्र दिया हुआ है। इससे पिछली बार दो क्वेश्चन आए थे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आया था मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि ये वाला प्लस दिया हुआ है, ये यहाँ पर प्लस 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 बनेगा और ये अंदर के प्लस जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस जिंक 2+ इधर की ओर। फिर इधर आ जाइए डैनियल सेल में। डैनियल सेल में क्या है, दो बीकर है, एक कनेक्टिंग रॉड में हमने NaOH भर सकते हो, H2SO4 भर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या भरना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है और कैसे इस्तेमाल किया गया है इसका, ठीक है। तो इसमें दो बीकर हैं, एक ये एक ये। इन बीकर्स में दो रॉड डाले गए हैं, ये प्लेट्स, या रॉड या प्लेट डाले गए हैं, जिन्हें हम कैथोड और एनोड कहते हैं, ठीक है। दोनों बीकर्स में कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का विलयन भरा गया है, ठीक है। ये देखिए, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर कॉपर की एक प्लेट भी डाली गई है उसी में, और यहाँ पर जिंक की प्लेट डाली गई है उसके अंदर, ओके। इसमें जिंक सल्फेट का भरा गया है सोल्यूशन। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन अगर भरा गया है, तो अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ZnSO4 इंडिकेट Zn2+ + SO4 2-, ठीक है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का, आ जाइए ये भी जरा इसे देख लीजिए, जरा ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइप का है, जरा इस भी कुछ है ना। तो ये हो जाएगा कॉपर 2+ + SO4 2-, ठीक है। इतना हो जाएगा ना, अगर इतना हो जाएगा तो फिर इसमें ऐसे और क्या चेंजेबल कर सकते हैं हम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पहले तो याद रखनी है। फिर दूसरा क्या है, इसमें गैल्वनी सेल जो है, गैल्वनी सेल नहीं, इसमें जो है एक गैल्वनी मीटर होता है, जिससे हम करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं, ओके। अब इसमें क्या है जो एग्जाम में आया था, अब थोड़ा सा इसको समझिए। जिंक सल्फेट दिया हुआ है, जिंक की रॉड दी हुई है, जिंक जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, एनोड। अब आपको याद रखना, देखिए यहाँ पर एनोड क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर एनोड क्या है, निगेटिव। बस यहीं पर खेला हो गया आपके साथ में, यही खेल आपको याद रखना है और बस दिमाग लगाना है। नॉर्मल तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनोड यहाँ पर दिया है माइनस का, इसमें जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है। यहाँ पर देखिए कैथोड पॉजिटिव दिया हुआ है। जितने भी आप गैल्वनिक सेल या वोल्टिक सेल पढ़ेंगे, उन सभी में आपको याद रखना है कि जो सेल होगा उसमें एनोड हमेशा निगेटिव होगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पर जिंक की प्लेट है जो पॉजिटिव होती है परंतु यहाँ पर निगेटिव बन जाता है। पर कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, ये कैथोड हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, इस पर रिडक्शन अभिक्रिया होती है, मतलब अपचयन अभिक्रिया होती है। इन पर जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो ये कैथोड और एनोड बनाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने कैथोड और एनोड, जो यहाँ पर एनोड पर पोटेंशियल जनरेट होगा, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा, इस सेल को हम क्या कहेंगे, अर्ध सेल, ठीक है। ये कॉपर का अर्ध सेल, ये जिंक का अर्ध सेल। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डैनियल सेल में जिंक की प्लेट पर कौन सा एनोड होता है या कैथोड होता है, आपको बता देना है भैया एनोड होता है। एनोड पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा क्या पूछेगा कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए आप कैथोड पर, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, पर यहाँ पर जो निगेटिव है, वहाँ पर जो निगेटिव दिया हुआ है वो निगेटिव में रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर निगेटिव यहाँ से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर ये पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। अब सेल के अंदर की बात समझते हैं। सेल में जब हमने कैथोड कनेक्ट किया, तो कैथोड की वजह से यहाँ से एक करंट बनी, मतलब ये वाला सेल जो है ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव बन गया, मतलब ये वाला जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ से करंट बाहर निकलेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, और इधर से इधर आ जाएगी, और यहाँ से होते हुए अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सेल के बाहर करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, और सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे फिजिक्स में भी पूछा जाएगा और इसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिवीजन बता देता हूँ आपको। सेल के बाहर करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। सेल के बाहर मतलब ये सेल के बाहर का सिरा है, जहाँ पर आप बैटरी देखते हैं। सेल के बाहर करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ओके। अब दूसरा आ जाइए, सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है। सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा करंट के अपोजिट होता है, तो सेल के बाहर माइनस से प्लस की ओर जाएगा। देखिए ये माइनस से प्लस की ओर, सेल के अंदर प्लस से माइनस की ओर। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होगा, मान लीजिए इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया 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 यहाँ तक पहुँचा, तो ये बाहर है, तो ये वाला माइनस है, तो माइनस से प्लस की ओर गया। अब अंदर से आएगा तो इधर से आएगा, ये प्लस है, ये इधर से यहाँ से अपना रास्ता कंप्लीट कर लेगा।
तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। एग्जाम में ये भी बहुत अच्छे धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो गैल्वनी सेल में या डैनियल सेल में किधर होता है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल फॉर्मूला भी देख लीजिए जरा, इंपॉर्टेंट वाला जो आपके काम आने वाला है। टोटल जो इसका पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, सेल का ईएमएफ कितना होता है, तो ई का सेल मतलब यहाँ लिखा ई सेल, तो ई सेल का मतलब होता है टोटल नेट ईएमएफ, ठीक है? कितना है कैथोड का, कैथोड पॉजिटिव होता है, देख लीजिएगा पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये है एनोड का, ठीक है? मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। ये एक क्वेश्चन दी हुई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पर इसकी इक्वेशन पहले ये दी हुई है, यहाँ पर एफ ई टू प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर एफ ई हो गया जिंक, यहाँ पे जिंक, तो यहाँ पर देखिए इसकी आक्सीकरण संख्या प्लस की दो है, ठीक है? और यहाँ पर कितनी जीरो, तो यहाँ पर आक्सीकरण संख्या कम हो जाए वहाँ पर क्या होता है रिडक्शन होता है, और जहाँ पर आक्सीकरण संख्या बढ़ जाए वहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या बनता है पॉजिटिव, ठीक है? तो पॉजिटिव में यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये दिया हुआ 76, तो ये हो जाएगा 76 माइनस 0.41, लेस कर दीजिए दोनों को, लेस करने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3, 4 to 3 और ये हो जाएगा 3.33 वोल्ट। ये इसका क्या हो जाएगा नेट ईएमएफ हो जाएगा, किसका, बैटरी का, ठीक है? अब इसमें और क्या आएगा इंपॉर्टेंट चीज़, अब इससे सिर्फ और सिर्फ तीन क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एक बार। इस डैनियल सेल से क्वेश्चन आएंगे, डैनियल सेल कैसा सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल कैसा होता है, चार्जेबल होता है, नहीं चार्जेबल होता है, ठीक है? इसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? या हिंदी में बोल सकते हैं कि आवेशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसमें क्या पूछेगा कि इसमें जो है कैथोड कैसा होता है, एनोड कैसा होता है, तो कैथोड और एनोड दोनों अलग अलग होते हैं। कैथोड जो होता है वो आपका होता है, कैथोड कहाँ चला गया मेरा, कैथोड, कैथोड होता है कॉपर सल्फेट का, ये होता है कैसा पॉजिटिव। एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एनोड किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। इक्वेशन ये होती है, अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे लगाना है, न्यूमेरिकल की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आई थिंक इसमें सब काम की चीज़ इंपॉर्टेंट हो चुकी है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।